So in a previous session, we had a discussion for CPU scheduling. We have started with CPU scheduling, under which we have discussed two scheduling algorithms. One is first come first serve, and the other one is shortest job first algorithm. And today we are going to start with priority scheduling. So what actually priority scheduling is? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर प्रोसेस को, हर जॉब को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है, तो उस प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे ही सीपीयू असाइन होते हैं। जैसे टास्क मेरे रेडी क्यू में वी आर हैविंग थ्री टास्क, मेरे पास तीन प्रोसेसेस हैं जिनको सीपीयू चाहिए। जो प्रोसेस थ्री है उसकी प्रायोरिटी वन है, प्रोसेस वन की प्रायोरिटी टू है और टू की प्रायोरिटी थ्री है। सो इसी सीक्वेंस में, प्रायोरिटी के सीक्वेंस में ही सीपीयू असाइन होंगे। जैसे सबसे पहले सीपीयू असाइन होगा प्रोसेस थ्री को, देन प्रोसेस वन को, आफ्टरवर्ड्स प्रोसेस टू को। इसमें हम सीपीयू बर्स्ट नहीं देखेंगे, अराइवल रेट नहीं देखेंगे, अराइवल टाइम नहीं देखेंगे कि कब आया है, बल्कि हम प्रायोरिटी देखेंगे। हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया जाएगा, और जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है उसको हाई प्रायोरिटी माना जाएगा। जैसे नंबर वन मीन्स हाई प्रायोरिटी, उसको हम सबसे पहले सीपीयू साइन करेंगे, नंबर टू को उसके बाद सीपीयू साइन करेंगे। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम सीपीयू शेड्यूल करते हैं इसमें। सो इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अ प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ऑल द प्रोसेसेस। सब प्रोसेसेस की अपनी एक प्रायोरिटी होगी, ठीक है। Some of them would be of high priority, कुछ होंगे low priority के, but priority सबकी होगी। Processes are executed in sequence according to their priority. The CPU time is allotted to the process with highest priority. If the priority of two or more processes are equal, then the process that has been inserted first in the ready queue is selected for execution. In other words, we can say first come first serve algorithm is performed when two processes have same priority. जैसे process one है, process two है, दोनों की priority one है। So उस केस में हम check करेंगे arrival time, कौन पहले आया है उसको हम CPU assign कर देंगे। So let's see one example of priority scheduling. So this is the example of priority scheduling, under which we are having four processes, चार processes हैं। ये उनका burst time दिया हुआ है, कितना execution time चाहिए इनको, और साथ में हमें priorities दी हुई हैं। So priorities में you can see प्रोसेस टू की प्रायोरिटी वन है, दैट मीन्स सबसे पहले सीपीयू प्रोसेस टू को मिलेगा। नंबर टू प्रायोरिटी पे है प्रोसेस वन, उसके बाद इसको दिया जाएगा, देन प्रोसेस फोर, आफ्टरवर्ड्स प्रोसेस थ्री। सो इसमें हम प्रायोरिटीज पे काम करते हैं, जिसकी कम प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले, सॉरी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले हम CPU असाइन करते हैं, और जितना नंबर कम होगा दैट मीन्स इट इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, ठीक है। सो सबसे पहले okay, हम इसका भी जॉइंट चार्ट बनाएंगे। जॉइंट चार्ट के लिए क्या होगा, सबसे पहले विदाउट एनी वेटिंग टाइम विल प्रोवाइड द सीपीयू टू प्रायोरिटी वन। प्रायोरिटी वन है प्रोसेस टू की, और इसको एग्जीक्यूट होने में 3 मिलीसेकंड्स चाहिए। सो इसको 3 मिलीसेकंड्स हमने प्रोवाइड कर दिए, एंड इट इज नॉन प्रिम्प्टिव। एक बार असाइन हो गया है सीपीयू तो हम वापस नहीं लेंगे जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, क्लियर। सो आफ्टर 3 मिलीसेकंड्स P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, सीपीयू फ्री हो जाएगा। उसके बाद सीपीयू जाएगा नेक्स्ट प्रायोरिटी के पास, विच इज P2। सो P1 प्रोसेस जो है उसकी प्रायोरिटी 2 है, और इसको एग्जीक्यूट होने में 21 मिलीसेकंड्स चाहिए। सो 21 प्लस 3 इज व्हाट,
24, ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स P4 को मिलेगी इसी तरह, और इसी तरह ही P3 को मिलेगी। जैन चार्ट बनाना क्लियर है? यस मैडम, ये तो देख के पता लग गया इजी आ। गुड, सो आफ्टरवर्ड यस मैम। नाउ कैलकुलेट द वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम पता चल जाएगा। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, किस टाइम पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट हुआ है प्लस ऑल द थ्री ऑल द फोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ काउंट। सो यस मैम। सबसे पहले जो P2 है, P2 का वेटिंग टाइम है 0, P1 का 3, P4 का 24, P3 का 26. So we'll sum all of them divided by 4 and we'll get the average waiting time here. ठीक है? Yes, ma'am. Average waiting time मिल गया. Done. So this was pretty easy. Easy था ये? मैडम एग्जाम्स से कैलकुलेटर ले जा देंगे या? बच्चे इसमें इतनी सी कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेटर चाहिए आपको? मैडम वो डिवाइड बाय 4 भी करना। यस सिंपल बेसिक कैलकुलेटर है वो अलाउड होता है बच्चे, वो लेके जा सकते हो आप, साइंटिफिक नहीं होगा आपको। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। सो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वाज ऑफ प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। So here also we can have priority scheduling with primitive or non-primitive. So in primitive priority scheduling, schedulers allocate the CPU to the new process if the priority of new process is higher than the priority of running process. So let's say हमारा three priority का चल रहा है already, priority number 3 का process हमारा execute हो रहा है, इन बिटवीन नया एक प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी 1 है, सो उस टाइम पे हम सीपीयू 3 प्रायोरिटी से लेके 1 प्रायोरिटी को अलॉट कर देंगे। सो उस केस में हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है दैट विल बी ऑफ प्रिम्प्टिव टाइप, जिसमें से हम सीपीयू प्रिम्प्ट आउट कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं और किसी लोअर हायर प्रायोरिटी वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं। But in case of non-preemptive priority scheduling, the running process is not interrupted even if new process has a higher priority. And in this case, the new process will be placed at the head of ready queue. So ready queue में उसकी head side पे उसको दोबारा arrange कर दिया जाता है, but हम preempt नहीं करते हैं। जब उसकी execution complete हो जाएगी उसके बाद हाई प्रायोरिटी वाले को असाइन हो जाएगा सीपीयू। सो दिस वे वी कैन वर्क विद प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एज वेल। सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग इज दैट इट फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोसेस। That means processes are scheduled according to their importance. So, let's say अगर कोई हमारे पास storage space resources के लिए आ गया है process और उसको immediately हमें कोई data store करवाना है, so that will be considered as high priority rather than any other processing. So उस case में पहले हम information को store करवाएंगे, so हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रेफरेंसेस है, उस ग्राउंड्स पे फिर प्रायोरिटीज असाइन होती हैं और चेक उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। देन द सेकंड एडवांटेज वी आर हैविंग इज एज इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम इट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑल्सो। So in a priority scheduling algorithm in which priority is inverse of next burst, the larger the CPU burst, the lower is the priority. So इसमें भी हम priorities जो assign करते हैं, अगर वो task basis पे नहीं हो रही है, उसकी importance के basis पे नहीं हो रही है, then we can also go for
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सिनेरियो, और उसमें जिस जॉब का ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको हम लो प्रायोरिटी पे रख देंगे, और जिसको जिसका सीपीयू बर्स्ट कम होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी पे रख के पहले एग्जीक्यूट कर देंगे. सो इट इज अ समवॉट लाइक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम. बट अपार्ट फ्रॉम सर्टन एडवांटेजेस वी आर हैविंग डिसएडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑल्सो. Like in certain situations, a low priority process can be blocked infinitely if comparatively higher priority processes arrive in the ready queue frequently. Let's say हमारे पास एक six priority का process wait कर रहा है queue में, और six priority की turn आ ही नहीं रही है, उससे पहले two priority, one, five, four वो priorities आ जाती हैं, वो वाले processes आ जाते हैं और उनको execution मिल जाती है. तो नंबर सिक्स प्रायोरिटी पे जो है मेरा प्रोसेस वो हमेशा रेडी क्यू में वेट करता रह जाएगा, उसको हमेशा ब्लॉक किया जाएगा एग्जीक्यूशन से. सो दिस विल गिव अ राइज टू स्टार्वेशन सिचुएशन. सो दिस सिचुएशन इन विच लो प्रायोरिटी प्रोसेस आर ब्लॉक्ड वेटिंग इन डेफिनेटली फॉर सीपीयू इज नोन एज स्टार्वेशन. स्टार्वेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा है बहुत टाइम से और उसका कोई एंड नहीं है कि कब तक उसको और वेट करना पड़ेगा. सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टार्वेशन. स्टार्वेशन की प्रॉब्लम जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट, बाय अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एजिंग. सो एजिंग इज अ टेक्निक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम. लेट से एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सिक्स है. हमने एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया है कि एक प्रोसेस पाँच मिनट वेट करेगा, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो उसको हमने उसकी प्रायोरिटी हाई कर देनी है, मीन्स उसकी प्रायोरिटी सिक्स से फाइव हो जाएगी. ठीक है, देन आफ्टर फाइव मिनट्स फिर चेक किया जाएगा, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई पाँच मिनट तक फिर उसकी प्रायोरिटी हम और हाई कर देंगे, उसकी प्रायोरिटी फोर हो जाएगी. सो इसी तरह से हम उसका काउंटर जो है प्रायोरिटी काउंटर हाई करते रहेंगे ताकि अल्टीमेटली वो वन, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं आ रही है तो वो प्रायोरिटी वन पे आ जाए और उसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन मिले. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एजिंग which can be implemented to resolve the situation of starvation. Clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So this is all about priority scheduling. Now let's discuss the next one we are having. So next we are having round robin scheduling. So this particular concept is also moves around first come first serve basis. ठीक है, इसमें first come first serve basis पे ही CPUs allot होते हैं, but the only thing is that कि हम CPU switch कर देते हैं after a particular span of time. जैसे एक particular process आया मेरे पास, let's say process one आया, और हम एक टाइम इंटरवल के बेसिस पे उसको सीपीयू असाइन करेंगे. लेट से मैंने बोल दिया कि 5 सेकंड्स के लिए ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कैन हैव सीपीयू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर 5 सेकंड्स द सीपीयू विल बी प्रिम्प्टेड ऑफ. सीपीयू हम वापस ले लेंगे और किसी और प्रोसेस को असाइन कर देंगे. इसी तरह ही वो 5 सेकंड के लिए चलेगा, फिर वो सीपीयू लेके हम किसी और प्रोसेस को दे देंगे. सो लेट्स से अगर मेरी क्यू में तीन प्रोसेसेस हैं तो जब थर्ड की कंप्लीट पाँच सेकंड तक एग्जीक्यूट किया उसने जितना हुआ ठीक है, उसके बाद सीपीयू से लेके हमने दोबारा फर्स्ट वाले प्रोसेस को असाइन कर देना. सो उसके बाद जहां उसकी फर्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पाँच सेकेंड के बाद जहाँ रुकी थी वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी. इसी तरह ही प्रोसेस टू के साथ होगा, इसी तरह ही प्रोसेस थ्री के साथ होगा. सो 5 सेकंड तक उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सकती है, कर ले, नहीं हो सकती, उनको दोबारा हम सीपीयू प्रोवाइड करेंगे आफ्टर सर्टन स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है,
यहाँ हमने डिवीजन जो टाइम इंटरवल की है दैट इज फॉर 5 सेकेंड. वो 5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज योर क्वांटम. ठीक है, सो इस सिनेरियो में हम क्वांटम्स पे काम करते हैं, टाइम क्वांटम्स पे. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है एग्जीक्यूशन का और उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस है उससे रिसोर्स ले लिया जाता है, उसकी जो भी स्टेट है जहां तक उसने एग्जीक्यूट कर लिया है उसको सेव किया जाता है. देन जब दोबारा सीपीयू उसके पास आएगा तो वहीं से ही उसकी एग्जीक्यूशन दोबारा रिज्यूम की जाती है. सो दिस इज द जॉब ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम बेसिकली दो सिनेरियोस पे काम करते हैं, वन इज क्वांटम, द अदर वन इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इट इज क्वाइट सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बट प्रीम्प्शन इज एडेड टू switch between processes. So processes are dispatched in first in first out manner but are given a small amount of CPU time. They are not allowed to complete their execution on the whole for longer period, but yes, if they are providing with a smaller period under which if they can complete their CPU burst is small, they can complete the execution. Otherwise, the CPU will be reassigned to them later on. So this way it works. And if the process doesn't complete before its time slice expires, the CPU is preempted and is given to the next waiting process in the queue. The preempted process is then placed at the tail of the ready queue. And if process is completed before the time slice, that is the quantum, the process itself releases the CPU. The scheduler then proceeds to the next process in the ready queue. So whenever any process arrives in the system, it is added at the tail of the ready queue. Round robin scheduling is effective in basically time sharing environments where we have to share the resources over the grounds of time. So this is how round robin works. So the performance of round robin scheduling algorithm depends upon two factors basically. One is size of time quantum or slice, and the other one is context switching overhead. So let's see the numerical based on this particular scheduling algorithm. So here in this we have four processes and we have their burst times, inka execution time hame given hai. So sabse pehle hum iska giant chart banayenge. Giant chart kaise banega, humne execution jo inki karwani hai processes ki wo first come first serve basis pe hi hogi. Let's say P1 सबसे पहले आया, then is P2, then P3, then is P4. So हम execute इसी sequence में कराएंगे. And quantum number, quantum time जो होता है, that is what the shorter span of time that for which a process can hold the CPU. So यहाँ पे हमने assume किया है quantum time 5. वो आपको given होगा question में कि कितना quantum time आपको लेना है. अदरवाइज यू कैन एज्यूम एनी. सो यहाँ पे हम 5 एज्यूम करके चल रहे हैं. सो पहले 5 मिली सेकेंड के लिए P1 की एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद उससे CPU ले लिया जाएगा और P2 को दिया जाएगा. P2 को दिया गया है 5 मिली सेकेंड पे और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, मतलब 3 मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करके CPU खुद ही छोड़ देगा. ठीक है, तो इसने हमारे क्वांटम टाइम से पहले ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली और सीपीयू को रिलीज कर दिया. जैसे ही सीपीयू रिलीज हुआ वो जाएगा P3 के पास. P3 के पास जाने के बाद अगेन इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 6 का, बट हमारा क्वांटम टाइम जो है वो है 5 का. सो हमने इसको 5 सेकेंड के लिए चलाना है और इससे फिर सीपीयू वापस ले लेना है. उसके बाद सीपीयू P4 के पास जाएगा. P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, तो इसने भी हमारे क्वांटम टाइम के पहले ही फिनिश कर ली एग्जीक्यूशन एंड इट विल रिलीज द सीपीयू.
और P4 के बाद अब दोबारा सीपीयू जाएगा P1 के पास। P1 की 5 मिलीसेकंड की एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब वहीं से दोबारा शुरू होगी। ठीक है, सो इसकी एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगी फिर इसके पास 5 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू रहेगा, उससे फिर वापस ले लिया जाएगा। यू कैन चेक हियर इस P1 का बर्स्ट टाइम 21 मिलीसेकंड का है। तो अभी तक हमने सिर्फ 10 मिलीसेकंड की इसकी एग्जीक्यूशन की है, 11 मिलीसेकंड की अभी भी पेंडिंग है। अब नेक्स्ट सीपीयू किसके पास जाएगा, P2 की ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, सो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पेंडिंग है P3 की। सो P3 के पास जाएगा, 1 सेकंड की पेंडिंग है, 1 सेकंड के लिए चलेगा और फिर रिलीज कर देगा सीपीयू। उसके बाद सीपीयू दोबारा किसके पास जाएगा, P1 के पास, क्योंकि P4 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। सो P1 के पास जाएगा, 5 सेकंड के लिए चलेगा, उसके बाद फिर से उससे ले लिया जाएगा सीपीयू। चेक किया जाएगा अगर क्यू में कोई और पेंडिंग प्रोसेस नहीं है तो दोबारा इसी को ही असाइन कर दिया जाएगा, फिर 5 सेकंड के लिए चलेगा, फिर सीपीयू ले लिया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि कोई और प्रोसेस तो नहीं है, अगर नहीं है तो दोबारा इसको दे दिया जाएगा और ये अपनी टास्क कंप्लीट करेगा। सो इस तरह से हम ये टाइम टेबल बनाएंगे। आई होप इट इज क्लियर मैडम। क्लियर है, ये भी सौखा है। बच्चे आई नीड द रिस्पांस फ्रॉम रेस्ट ऑफ अदर्स, बाकियों को समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बच्चे क्लियर है सब? यस मैम क्लियर है। ऑलराइट, so now is the question arising here is how to calculate the waiting time। giant chart ठीक है, अब waiting time कैसे पता चलेगा? waiting time हम individual process का सबसे पहले निकालेंगे, individual process का सबसे पहले निकालेंगे। अब वो कैसे मिलेगा आपको, let's see here। सो सबसे पहले हम P1 के लिए चेक करेंगे वेटिंग टाइम। P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, सबसे पहले इसको वेट नहीं करना पड़ा, इमीडिएटली मिल गया एट टाइम जीरो, जीरो पे मिल गया इसको। यस मैम। प्लस बट इसकी एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट नहीं हुई थी, प्लस इसको दोबारा कब मिला, 15 मिलीसेकंड पे जाके मिला इसको, है ना? यस मैडम यस। जब मिला तब ये अपनी 5 मिलीसेकंड की एग्जीक्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। यस मैडम यस। 15 माइनस 5 क्लियर, देन प्लस। यस मैडम। अब नेक्स्ट इसको कब मिला, 21 मिलीसेकंड पे, पर 21 पे जब मिला तब वो ऑलरेडी 20 मिलीसेकंड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। यस मैडम। और की ना, तो पहले वाले की खत्म कब हुई है, 20 मिलीसेकंड पे। सो 20 यस मैम माइनस मैडम 20। बच्चे ये P1 की कंप्लीट कब हुई, 20 मिलीसेकंड पे कंप्लीट हुई? यस मैडम। पर वो शुरू 15 तो नहीं हुई, शुरू 15 से हुई है, शुरू 15 से हुई है, बट हमने जो प्रीवियस इसकी एग्जीक्यूशन चेक करनी है वो उसकी कंप्लीशन चेक करनी है। जब इसको थर्ड टाइम सीपीयू असाइन हुआ था, थर्ड टाइम यहाँ पे सीपीयू वो हुआ है 21 मिलीसेकंड पे, और उसने छोड़ा कब था, 20 मिलीसेकंड पे छोड़ा था। ओके मैडम ठीक है, समझ लग गई। देन इसको सीपीयू कब मिला, 26 पे मैम, और इसने छोड़ा कब था, 26 पे, 21 पे हो जाएगा। इसने छोड़ा भी 26 पे ही था, ये वाले स्लॉट के लिए 26 पे इसको मिला है, 26 पे इसने छोड़ा भी था। ओके मैडम ठीक है, हो जाएगा। सिमिलरली विद 31 ऑल्सो, 31 पे ही मिला है, 31 पे ही छोड़ा था, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और इसके बाद हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन हो रही है। ओके मैडम। P1 की ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, P1 का
क्या आएगा आपका वेटिंग टाइम, कैलकुलेट करो, इट विल कम्स टू 11 मिलीसेकंड्स। हाँ जी मैडम, इतना किया 11 मिलीसेकंड्स आ गया। हाँ जी, हाँ जी मैडम। नाउ वी विल कंप्यूट फॉर P2। P2 के लिए हम चेक करेंगे, P2 को असाइन कब हुआ था, एट 5 दे मैडम, 5 मिलीसेकंड पे हुआ, और जब उसको असाइन हुआ तब उसी में उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली और उसको दोबारा कभी भी असाइन नहीं हुआ, राइट? सो इसका वेटिंग टाइम होगा 5। P2 का वेटिंग टाइम है 5। डन। सो P3 का करते हैं, P3 का है, इसको सबसे पहले मिला है 8 मिलीसेकंड 8 पे मैम। उसके बाद इसको कब असाइन हुआ है, 20 मिलीसेकंड पे, 20 पे मैम। और जब प्रीवियस वाला इसने छोड़ा था 13 मिलीसेकंड पे, सो 20 माइनस 13। और जब इसको ये असाइन हुआ था 20 मिलीसेकंड्स में, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई थी और इसको दोबारा असाइन नहीं किया गया, ठीक है? सो इसको कर लेंगे, P3 की वेटिंग टाइम कितना है हमारे पास, 15। यस मैम, डन। यस मैडम। अब हम P4 का कैलकुलेट करेंगे, P4 को मिला है CPU एट टाइम 13 पे मिला है, और इसी में इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली और दोबारा इसको असाइन नहीं हुआ, सो इसका वेटिंग टाइम भी है 13। तो टोटल अब हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग P1 का एग्जीक्यूशन टाइम था 11 प्लस P2 का था 5 मैडम प्लस 15, 3 का था 15 एंड देन 4 का था 13, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल कम्स टू 11 मिलीसेकंड। इट विल कम्स टू 11 मिलीसेकंड। इस तरह से हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। ओके मैम, डन। Yes, ma'am. So I hope it was pretty easy and clear. Clear है ma'am. Clear. So आप जल्दी से ना एक assignment note कर लो अपनी, ये आप complete करेंगे next session के लिए, ये आपको करनी है। There are four सारी कटने madam. ये आपको घर से करनी है, we will discuss in next session. ये आप इसकी details note कर लो आप। कर ली मैम। प्रोसेस 1 ABCD, वी हैव 4 प्रोसेसेस, उनके अराइवल टाइम्स दिए हुए हैं और बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं। इसको आपने इसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज थ्रोपुट निकालनी है यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन। ओके मैम। एवरेज वेटिंग टाइम सबको निकालना आता है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है मैडम? जेड़ा होने दो, स्टार्ट ऑफ रिस्पांस, स्टार्ट यहां से मैं बता देती हूँ, स्टार्ट माइनस अराइवल कब आया है, ठीक है, दैट इज द वेटिंग टाइम। अब आपको थ्रूपुट अगर सॉरी टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टर्न अराउंड होगा कंप्लीशन माइनस अराइवल, कब टास्क कंप्लीट हुई है, कंप्लीट माइनस द अराइवल टाइम जो भी आपको दिया होगा। ये आप नोट करना है, नोट कर लो फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम होता है फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट इज द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन माइनस अराइवल टाइम। ओके मैम, आपने इन तीनों एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन एवरीवन। यस मैम, थैंक यू मैम। सो इसमें किसी को कोई भी डाउट है यू मे आस्क हियर।